आपकी तबीयत ठीक है बाबा? हाँ ठीक हूँ बेटा। बाबा मैं वो बेटा वो मैं सब देख चुका हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप कहीं तो हॉस्पिटल ले चलूं? नहीं बेटा तू मेरे साथ है तो मैं अरे समझते क्या ये? मैं देख लूंगा इन लोगों को। आ मेरे बेटा। क्या हुआ? आ जाओ। जोया इस वक्त रात को ये कहां से लेकर आए पिसे? तुम्हारे साथ ये सुलूक होता है वहाँ? क्या हुआ, क्या है, इतनी बेहाल क्यों हो रही है ये? अरे हाल देखो इसका, हाल ही पूछो, वही पूछ रहा हूँ। हाँ बेटा मुझे बताओ क्या हुआ? वो तुम्हें मारता रहा, सबने टीवी पर देखा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने सब कुछ अम्मा को बताया था। अम्मा ने कहा कि बर्दाश्त करो, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। भाई क्या देखा टीवी पर, किसने देखा, कुछ मुझे भी बताएगा कोई? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसमें जुल्म होता रहा और तुमने छुपाया, वो तुम्हारा इश्तेहारा। मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हैं फिर आप? इसलिए कि इसकी बर्बादी की जिम्मेदार तुम हो। भला बताइए, उसे डांटता रहा, फटकारता रहा और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हरगिज भी कि कोई मेरी बेटी से इस तरह बात करे। अरे मैंने अपनी बेटी को आज तक कभी कुछ से पुकारा नहीं है और वो समझता है मैं उसकी जान निकाल दूंगा। समझता क्या उसकी, घटिया इंसान। तबीयत बिगड़ जाएगी, आराम से बेटा जाओ पानी लेकर आओ अपने बाबा के लिए। जल्दी से संभाले खुद को, संभाले। लेकिन मॉम ये सब टीवी पर कैसे आ गया? मुझे तो टेंशन हो रही है, अभी तो उन्हें इस हकीकत का पता नहीं है, अगर उन्हें तलाक का पता चल गया तो वो तो ये ज़्यादती कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सनम कुछ भी करो इस बात को निभा लो। मैं क्या करूँ, आप हर बार मुझे ही कहती हैं। ये तो बहुत बड़ा मसला है मॉम, इसमें कुछ नहीं हो सकता और जोया वैसे ही उनकी लाडली है। अब्बान को ये चांटा बहुत महंगा पड़ेगा और मारों के भी राज खुल जाएंगे। आपको नहीं पता इस थप्पड़ के पीछे कितना बड़ा तूफान आया था, अब तलाक का पता चल गया तो कयामत ही आ जाएगी। मैं अब चुप नहीं रहूंगी, मैं बाबा को एक एक बात बताऊंगी। बताओ और फिर उसके बाद जो कुछ होगा ना, इस हकीकत को जानने के बाद वो बच नहीं सकेंगे, दिल के मरीज है वो। हकीकत? पहले आप तो हकीकत जान लें कि सच क्या है। और मैं क्यों किसी की जिंदगी और मौत की परवाह करूं, क्यों करूं? मैं तो खुद एक जिंदा लाश हूं, उधर जाने से बेहतर यह है कि मैं अपने आप को जान से मार। क्यों फजूल बातें कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ पागल हो गई हूँ मैं, जब आपको मेरी बात पे यकीन ही नहीं करना तो साबित कर दें कि मैं पागल हूँ। सोया तुम जुनैद से शादी करना चाहती हो ना, इसलिए बहाना कर रही हो? याद रखना ये गुनाहे कबीरा होता है। गुनाहे कबीरा जानती हैं आप? तो मैं एक गैर मर्द और नामहरम के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ, इसका मतलब पता है आपको? अल्लाह, कोई ईमान वाली औरत अपने शौहर को गैर मर्द नहीं कहती। आप ऐसा क्यों करेंगे मेरे साथ, आप तो ईमान वाली औरत है ना? सोया मैं तुम्हें तलाक से बचाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ तलाक से। अम्मा ये तलाक मेरी ख्वाहिश नहीं है, मुझे तलाक हो चुकी है। और आप तो इंसान के चेहरे को देख के दिलों के हाल जान जाती हैं, फिर आपको क्यों नहीं पता चला, क्यों इल्हाम नहीं हुआ कि मुझे तलाक हो जाएगी? बाबा ठीक कहते हैं, आपको पता था, आपको सब कुछ पता था, आपने इस्तखारा किया था, गिराए तस्बीह के दो दाने और बताया कि क्यों हुई मुझे तलाक। जोया तुम भी मुझे अपने बाबा की तरह इल्जाम दे रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम मुझे कितनी प्यारी हो? झूठ, मैं आपको प्यारी नहीं हूँ, क्योंकि अगर प्यारी होती ना तो उस दिन आप वहाँ छोड़ के ना आती, मुझे और सनम भाभी की बात ना मानती। जोया तुम बहुत कमसिन और मासूम हो, तुम इस जमाने की तोहमतें बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं इस अज़ियत के बाद सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, काफी है वो अज़ियत मेरे लिए। सनम तुम कुछ भी करो जोया को झूठा साबित करो। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। क्या मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, खुदा हाफिज। प्लीज वो आज बाबा हमारे घर गए थे, वो जोया को वापस ले आए। बाबा जोया को लेकर आए इस वक्त? मुझे तो लगता है जोया की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई, तुमने आंटी से पूछा नहीं? मीज अदनान को लगता है कि सोया बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी उसके साथ, जबरदस्ती उसकी शादी कराई गई, कहीं सोया किसी और को पसंद तो नहीं करती?
ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर सोया अदनान के साथ खुश क्यों नहीं रहती? छोटी छोटी बातों पे लड़ती है उसके साथ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सोया अदनान के साथ रहने ही नहीं चाहती। हर वक्त की लड़ाई, हर वक्त का झगड़ा। तुम ही बताओ, लड़की को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना, यहाँ हर बार अदनान कॉम्प्रोमाइज करता है। कितना एडजस्ट करे वो, सोया खुद तो एडजस्ट होने का नाम ही नहीं लेती। वही लड़ाई, वही झगड़े, बात बात पे रूठ के घर आ जाती है। मेरे घर वाले तो बहुत परेशान है, वो क्या करें? कुछ भी नहीं है यार, तुमसे किसने कहा है वो खुश नहीं रहती? मैं सोया से बात करता हूँ, आई है तो वापस चली भी जाएगी, मैं उसे ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगा। प्लीज तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता हूँ, यू नो दैट। जितना सोचोगी उतना उलझोगी, बस सो जाओ खामोशी से। पर आपको मेरी बात पे यकीन तो आ गया है ना कि अदनान ने मुझे तलाक दे दी है? चुप रहो, कोई सुन लेगा। अल्लाह ताला को शदीद नापसंद है ये अल्फाज, अर्श भी कांप जाता है तलाक के लफ्ज से। बस छोड़ दो इसे, मत दोहराओ। पर मैं तो ये लफ्ज बार बार सुन चुकी हूँ अम्मा, आपको पता है आज होटल में अदनान ने मुझे सबके सामने तलाक दी, वहां जुनेद भी मौजूद था। जुनेद? वो वहां क्या कर रहा था? तो मुझसे मिलने गई थी। अम्मा आपको क्या हो गया? जुनेद मुझसे मिलने के लिए क्यों आएगा वहां? वो वहां पहले से मौजूद। तुम इसे डरा कर धमका कर चुप करवाना छोड़ दो। ऐसा लगता है कि इसके साथ होने वाली नाइंसाफियों में तुम बराबर के शरीक हो। इसके साथ जुल्म होता रहा और तुम कैसी माँ हो खालदा? बताओ सोया, ये सब कुछ कब से चल रहा है और तुम कब से सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो? ऐसे आदमी के साथ रहने से बेहतर है कि तुम यहाँ रहो मेरे पास अकेली। बाबा वो मुझे तलाक दे चुका है। क्या अदनान तुम्हें तलाक दे चुका है? एक बार नहीं, बार बार। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? मैंने ये बात अम्मा को बताई थी लेकिन इनको मुझ पर यकीन ही नहीं। खुदा के कहर से डरो खालदा, डरो खुदा से जिसे तुम सजदे कर करके थकती नहीं हो। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई बेटा। क्योंकि बाबा किसी को भी मेरी बात पे यकीन ही नहीं, सबको ये लगता है मैं झूठ बोलती हूँ। सारे गवाह भी मुकर गए लेकिन मेरा गवाह सिर्फ मेरा अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह। आप हकीकत नहीं जानते इसलिए आप रहने दें ये बात। तुम बाहर जाओ, बाहर चली जाओ, मुझे जोया से अकेले में बात करनी है। जाओ। क्या बेटा, बैठो मेरे पास। अब बताओ तुम्हें ये तलाक कब और कैसे हो? बेटा भाई मुझे तुम पर यकीन है, तुम्हारे मुंह से निकले हुए एक एक लफ्ज पर यकीन है। बेटा तुम मेरे पास आती तो सही, मुझे बताती तो सही, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, कैसे छुटला सकता था? पापा मैं तो आपको सब कुछ बताना चाहती थी मगर अम्मा ने मुझे हर बार किसी ना किसी का वास्ता देके चुप करवा दिया। अब तो मैं वहां जाने की जरूरत नहीं है, ना मुझे किसी गवाह की जरूरत है, देख लूंगा सबको। हल्दा ये बताओ कि कोई औरत अपनी औलाद के साथ ऐसी नाइंसाफी कैसे कर सकती? इसलिए कि मुझे जोया की किसी बात पे यकीन नहीं है और उसके पास कोई गवाह या सबूत है नहीं कि अदनान ने उसे वाकई तलाक दिए। इतनी जालिम हो, जब तुम्हें मालूम है कि जोया को तलाक हो चुकी है फिर तुमने उसे वहां रहने पर क्यों मजबूर किया? बाबा आप जोया को यहां पर लेकर क्यों आए? तुम्हें मालूम है कि जोया यहां आ चुकी है तो तुम ये भी जानते होगे कि उसके साथ वहां क्या सुलूक होता रहा। ऐसा क्या हो गया उसके साथ जो वो यहां आ गई है और उसको अपने ससुराल में सुकून नहीं मिल रहा? ये तुमसे बेहतर कौन जानता है कि जोया के साथ वहाँ क्या सुलूक होता रहा? सोया उस घर को अपना समझती नहीं है,
मियां बीवी में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। कौन सा घर? तुम शायद जानती नहीं हो कि अदनान उसे तलाक दे चुका है। मेरे सामने उसने जोया पर हाथ उठाया है। तुमने शायद टीवी पर देखा नहीं। वो अपनी गलतियां छुपाने के लिए मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही है। वो खुद कई बार अदनान पर हाथ उठा चुकी है। मैं जानता हूँ अपनी बेटी को। जोया ऐसा नहीं कर सकती। तुम जोया को इल्जाम देने से पहले अपने भाई के करतूत याद करो। बाबा सनम बिल्कुल ठीक कह रही है। अदनान का कोई कसूर नहीं है। जोया रहना ही नहीं चाहती अदनान के साथ, वरना इतनी बड़ी तलाक की बात किसी से कैसे छुप सकती है? ना अंकल को पता है, ना आंटी को पता है। सब हो कैसे सकता है? सब हो सकता है। एक झूठ को छुपाने के लिए सब कुछ हो सकता है। अदनान ने उसे एक बार नहीं, कई बार तलाक दी है। सब कुछ मुझे बता चुकी है जोया। जब इतनी बार तलाक दे चुकी है तो क्यों रह रही है वो अदनान के साथ अब तक? इतना तो मजहब जानती है ना जोया। मैं आपको बता रहा हूँ, वो सिर्फ लड़के आई और अब बहाने बना रही है। वो नहीं रहना चाहती अदनान के साथ। और नहीं तो क्या, छोटी छोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। उसको तो सिर्फ बहाना चाहिए इस घर में आने के लिए। मैंने कई बार उसे मार खाते हुए देखा है। बाबा आप कुछ नहीं जानते। जरूर जोया ने कुछ ऐसा किया होगा जिस पर अदनान का हाथ उठा होगा। अदनान ने एक थप्पड़ क्या मार दिया, वो तो घर ही छोड़कर आकर बैठ गई है यहाँ पर। मैंने तुमसे कहा था ना मुईस, वो अदनान के साथ रहना ही नहीं चाहती। बस मैंने फैसला कर लिया कि जोया अब वापस नहीं जाएगी वहां। जोया के पास कोई सबूत है? बस जाओ, तुम दोनों चले जाओ, चले जाओ फौरन। क्या कहती है तुम्हारी मजहबी मालूमात? इस्लाम औरत पर सख्ती या जबर की इजाजत देता है? मैं समझता हूं औरत का इतना कहना ना काफी है कि उसे तलाक हो चुकी। तुम्हारा बेटा और बहू जोया पे इल्जाम लाकर झूठा साबित कर चुके। क्या कहता है तुम्हारा इस्तखारा, ये सच है या गलत है? उसे तलाक हुई या नहीं? मैं तुमसे ये काम फ्री में नहीं कराऊंगा। मैं तुम्हें इस्तखारा करने के पैसे दूंगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम तो बड़े बड़े मसाइल मिनटों में हल कर देती हो। आज अपनी बेटी और जुनैद की मदद नहीं करो? आज तुम्हारी अकल पे पत्थर क्यों पड़ गए? जोया झूठ बोल रही है। उससे शादी के बाद अपना आशिक उसकी चाहत नहीं बुलाई जा रही। वो जुनैद के साथ रहना चाहती है, इसीलिए सारा तमाशा हो रहा है। उससे खुद जोया ने कहा है कि वो जुनैद से मिली है। जुनैद ही ने उसे बचाया है। सारी दुनिया ने देखा, बल्कि आपने खुद देखा, टीवी पर भी देखा। झूठ बोलने वाले का कोई अकीदा या कोई मजहब नहीं होता। मेरी बेटी भी वही गलती दोहरा रही है जो बरसों पहले मैंने दोहराई थी। उससे भी शादी के बाद अपना आशिक से मोहब्बत छुपाई नहीं जाती। पापा, मैं तो आपको सब कुछ बताना चाहती थी, मगर अम्मा ने मुझे हर बार किसी ना किसी का वास्ता देके चुप करवा दिया। इसलिए कि मुझे जोया की किसी बात पे यकीन नहीं है और उसके पास कोई गवाह या सबूत है नहीं कि अदनान ने उसे वाकई तलाक दिए। जोया रहना ही नहीं चाहती अदनान के साथ, वरना इतनी बड़ी तलाक की बात किसी से कैसे छुप सकती है? ना अंकल को पता है, ना आंटी को पता है। मेरी बेटी गलती पर है तो मैं उसका साथ क्यों दूं? जोया भी वही गलती दोहरा रही जो आज से कई साल पहले मेरी जवानी में मुझसे हुई थी।
चाहे कुछ भी हो जाए रीच, आई स्वेयर मैं गवाही जरूर दूंगा, मैं जोया को इस अजाब में नहीं रहने दूंगा। हाँ, इस बार मुझे भी उम्मीद है कि जोया इस अजाब से निकल जाएगी। तुम प्लीज उससे बात करने की कोशिश करो, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो, मुझे मुझे प्लीज एक बार मिलवा दो उससे। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन जिस तरह से उसको अदनान लेकर गया है ना, मैं उसे नहीं बचा पाई। रीच प्लीज एक बार कोशिश करो। तुम खुद क्यों नहीं बात करते उससे? इस वक्त मेरा बात करना मुनासिब नहीं है, तुमने हमेशा हम दोनों को मिलवाया है, प्लीज एक बार बात करो और एक बार और मिलवा दो। ओके, थैंक यू। जोया अभी वही गलती दोहरा रही है जो आज से कई साल पहले मेरी जवानी में मुझसे हुई थी। शादी के बाद भी उससे अपना आशिक नहीं छोड़ना चाह रहा। बहुत गुनहगार हूं मैं, बहुत गुनहगार। मेरे मासी की सजा मेरे बेटी को मत देना परवरदिगार। मेरे मासी की सजा मेरी बेटी को मत देना, मत देना मेरे परवरदिगार। सोए नहीं अभी तक? हाँ, नींद नहीं आ रही। आंखें बंद करता हूँ तो यह जग जाता। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी के घर को जड़ते देख रहा हूँ। तुम भी तो नहीं सुनी? मैंने जो महसूस किया वो बता दिया आपको, जैसे आपको मुनासिब लगे। इंसान भी कितना कमजोर और बेबस है, खुद अपनी खता को सजा बना देता है। अब तुम जान गई होगी कि खुदा देख रहा। अब तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। मुझे सोया की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं। हाँ, कोई गवाह या सबूत होता तो शायद मैं यकीन कर लेता। मुझे तो सिर्फ यादनान से जान छोड़ाने का सिर्फ बहाना लगता है। यानी तुम्हें अपनी बहन पर यकीन नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये झूठ बोल रही है। अदनान के साथ रहना ही नहीं चाहती है ये। मुझे बाबा एक बात बता, अदनान क्या इतना पागल है कि बिला वजह से तलाक देगा, वो भी बार बार? पूछे इससे कि ड्रामा कब तक चलेगा। इसकी वजह से मेरी और सनम की जिंदगी बर्बाद हो रही है। कोई सबूत या गवाह है तुम्हारे पास कि नहीं? भाई, अम्मा ने हमेशा से मेरी खुशियों को आप पर कुर्बान कर दिया। मैंने सब कुछ आप लोगों के लिए बर्दाश्त किया, क्योंकि अम्मा ने मुझे चुप रहने को कहा, आपकी खुशियों का वास्ता देकर हमेशा मुझे वापस भेज दिया। क्योंकि तुम्हारा भला चाहती है वो। लोग सुनेंगे ना तो हंसेंगे तुम पर। मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने सब कुछ आप लोगों की वजह से बर्दाश्त किया। मैं किससे इंसाफ की भीख मांगूं, किसके सामने जाके गिड़गिड़ाऊं? सोया, तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि शादी के बाद तुम्हारा अपना घर वही है। और ऐसा कौन सा जुल्म हो गया तुम्हारे पे जिसकी वजह से तुम इंसाफ मांगती फिर रही हो?
कोई सबूत या कोई गवाह भी है तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी। जुनैद बनेगा मेरा गवाह, क्योंकि अदनान ने मुझे उसके सामने तलाक दी। उससे बड़ा सबूत या गवाह तो मैं आप लोगों के सामने पेश नहीं कर सकती ना। सुन लिया आपने, तो असली वजह ये तलाक का तो सिर्फ एक बहाना है। जो कल रात न्यूज चैनल पर हुआ है, ये कम था जो इसे सबूत बनाकर ले आई हो तुम? शुक्र करो कि उन्हें तुम्हारे इश्क के बारे में कुछ नहीं पता चला, वरना अभी हमारी इज्जत ना टीवी चैनल्स के ऊपर नीलाम हो रही होती। जुनैद सिर्फ एक गवाह है और कुछ नहीं। गवाह बनाया भी तो अपने पुराने आशिक, और वो भी तुम्हारे साथ इस झूठ में शामिल था ना? और वो क्यों शामिल था ये तो तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती होगी। भाई खुदा के वास्ते चुप कर जाए आप, कुछ तो रहम करें मुझ पर। कुछ भी कहने से पहले सोच लें कि मैं आपकी बहन हूँ। तुमने सोचा था इस घर की इज्जत के बारे में? जुनैद को तुम गवाह बनाकर ला रही, तुमने सोचा है कि क्या सोचेंगे लोग? बाबा आप तो मेरी बात पे यकीन करें, मैं आपको कह रही हूँ ना, जुनैद सिर्फ एक गवाह है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे पता है मेरे बेटा, तुम मेरे बच्चे हो तुम। मुझे सोया की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं। हाँ कोई गवाह या सबूत होता तो शायद मैं यकीन कर लेता। मुझे तो सिर्फ ये अदनान से जान छुड़ाने का सिर्फ बहाना लगता है। जुनैद बनेगा मेरा गवाह, क्योंकि अदनान ने मुझे उसके सामने तलाक दी। उससे बड़ा सबूत या गवाह तो मैं आप लोगों के सामने पेश नहीं कर सकती ना। सुन लिया आपने, तो असली वजह ये तलाक का तो सिर्फ एक बहाना है। गवाह बनाया भी तो अपने पुराने आशिक को। बाबा आप तो मेरी बात पे यकीन करें, मैं आपको कह रही हूं ना, जुनैद सिर्फ एक गवाह है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब ये कि तुम मुझे अब और धोखा नहीं दे सकते? अपनी बहन के शादी से पहले और शादी के बाद के फैज नहीं छुपा सकते तुम मुझसे? कौन सी जबान में तुम मुझसे बात कर रही हो यार? ठीक है तो फिर तुम ही बताओ, यहाँ जुनैद के आने की बात क्यों हो रही है? जुनैद जोया का क्लास फेलो और उस रात वहीं मौजूद था जहां अदनान और सोया थे। अब सोया का ये कहना है कि जब अदनान ने सोया को तलाक दी है तो जुनैद उसका वाहिद गवाह है। लेकिन तुमने तो कहा था कि वो उसका आशिक है। सुनम ऐसी कोई बात नहीं है यार, तुम नहीं जानती हो सोया बहुत बेवकूफ लड़की है। हाँ और शायद उसकी बात पर मैं यकीन भी कर लेता अगर अदनान को खुद देखता सोया को तलाक देते हुए। उसकी बेवकूफी पर मैं अभी कोई फैसला नहीं कर पा रहा। तुम्हारी बहन बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है, जानबूझकर कर रही है वो ये सब कुछ। अच्छा एक बात बताओ, उसने जुनैद को ही गवाह क्यों चुना? मामा बाबा भी तो थे वहां पर। जवाब है तुम्हारे पास? मैं बताती हूँ, उसने सिर्फ मजबूरी के तहत ये शादी की थी और अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। अभी तक जुनैद से अफेयर है उसका। हमें बोलती रही कि मेरा भाई बुरा है, उसकी वजह से मेरे भाई और मेरी फैमिली ने कितना सफर किया है। I don't believe it. तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, बड़े दावे किए थे ना तुमने अपनी बहन की पारसाई के। God, I was such a fool. मेरा भाई और जुनैद, जुनैद उसका आशिक है। आंखें शुरू करती थी उस दिन मैंने उससे कहा कि उसके साथ तस्वीर खिंचवा दो, उसने साफ मना कर। शक्ल से कितनी मासूम लगती है और करतूत देखो, तुम्हें तो खालदा बी की अकल ठिकाने लगानी थी। ये तरबियत की है बेटी की, इसे कोई जरूरत नहीं है माँ। मुझे तो ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि जुनैद पे ना अंकल ट्रस्ट करते हैं और ना ही मुनीस। उसकी गवाही के कोई मायने नहीं। पुराना आशिक क्या गवाही देगा और यकीन कौन करेगा? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अब हम आराम से जोया को झूठा साबित कर सकते। अच्छा मैं घर जा रही हूँ, नया ड्रामा शुरू हुआ है,
एपिसोड नहीं मिस करना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर जाओ, लेकिन एक बात याद रखना कि जोया को पलट के यहीं आना है बस। परेशान क्यों हो रही हैं? मेरा वादा है आपसे, जोया लौट कर यहीं आएगी। और तुम सुनो, जैसे ही कॉल करूँ वहाँ आ जाना। यू नेवर नो, आज ही उसका आशिक उसे रेस्क्यू करने आ जाए। आने दो उसको, उसकी बात पे यकीन कौन करेगा। जुनेद तुम किस ताल्लुक किस रिश्ते से जा रहे हो उसके घर? किसी रिश्ते से नहीं जाना, मैं वहां सिर्फ एक गवाह के तौर पर जा रहा हूं, क्योंकि जोया को मेरी गवाही की जरूरत है। यार हम बड़ी मुश्किलों से इस जगह तक आए और तुम फिर जोया से मेरी मदद चाहिए। यार जानता हूं यार, लेकिन फिर भी सोचो तो सही। यार लेकिन लेकिन कुछ नहीं, देख बस ये लास्ट टाइम, ओके आखिरी बार मुझे ये कर लेने दे। एंड आई प्रॉमिस यू, तेरा कोई शो सफर नहीं करेगा, सब होगा। मेरा शो? हमारा शो? देख कल रात को रीज ने मुझे जो बताया है ना, उसके बाद ये करना मेरा फर्ज बनता है। तुम्हें उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती ना, और वो उसने क्या किया? खुद बड़ी तकलीफ में है यार, बहुत परेशान है, सब झुटला रहे हैं उसे, कोई यकीन नहीं कर रहा। जुनेद प्लीज, तुम सिर्फ गवाही दोगे और इससे आगे की उम्मीद बिल्कुल ना बांधना। जुनेद एक बात सच सच बताओ मुझे, तुम जोया के लिए अब भी फीलिंग्स रखते हो ना? देखिए जो फीलिंग्स होती है ना, ये दिल से होती है, तुझे पता है दिल मेरे पास अब कहाँ रहा। और जहां दिल होता है वहां सब दर्द होता है। अंकल मेरा यकीन कीजिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उस रात, इसने ना सिर्फ इसको तलाक दी बल्कि हाथ तक उठाया है। और तुमने हमें तमाशा बना दिया, सारे मीडिया के सामने बदनाम कर दिया। उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, फिर मेरा कतई वो मकसद नहीं था। तुम्हारा मकसद बार बार हम पे कीचड़ उछालना था। क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहे हैं बाबा, तुम आज भी जोए के कहने पर यहां पर आए हो ना, लगता है उस दिन वाली बेइज्जती भूल चुके हो तुम। हाँ भूल चुका हूं, इसीलिए आया। अंकल मैं कसम खाकर कहता हूं, इसने ना सिर्फ इसको तलाक दी बल्कि जब इसने हाथ उठाया मैंने रोका इसे। शौहर है उसका, उसका आपस का मामला है, होते कौन है तुम बीच में आने वाले? यार तुम समझ नहीं रहे हो, वो तलाक दे चुका है इसे। अंकल झूठ बोल रही है सरासर, बार बार तलाक का नाम लेके मुझे और मेरी फैमिली को जलील करना चाहता है। मेरे मुंह से ऐसा लफ्ज नहीं निकला कोई, मुझे और जोया को अलग करना चाहता है। जोया देखो, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मगर मेरे गुस्से की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे, सबके सामने मुझे जलील मत कर। इस साजिश में जोया भी इसके साथ है कि अदनान से तलाक लेकर इससे शादी करना चाहता। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक था, गवाही देना, वरना मेरा जोया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तभी इतनी दीदा दलेरी से तुम बात कर रहे हो, इसके आशिक हुए से शादी करना चाहते हो, क्या ये झूठ है? आपको जुनेद पर यकीन नहीं, हो सकता है कोई फायदा इसका अपना हो, लेकिन मैं, मेरे तो कोई ताल्लुक नहीं जोया से। मैं खुद गवाह हूं कि अदनान ने ना सिर्फ इसको मारा बल्कि तलाक भी दी। तुम भी तो इसके कहने पर ही झूठी गवाही दे रहे हो ना भाई, ऐसा ही है ना? देखें अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और आप तो इनकी बातों में आ रहे हैं। ये गाने बजाने वालों की जात तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये तो किसी पे भी इल्जाम लगा देते हैं, क्योंकि किसी की बहू बेटी की इज्जत की तो परवाह होती नहीं है। देखो जोया मेरी बीवी है,
मेरे घर की इज्जत है वो। ये झूठ बोल रहा है, जुनैद ऐसा नहीं है। बेटा तुम बीच में ना बोलो, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, जाओ। तुम मेरी मासूम बेटी को बदनाम कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा नाम उसके नाम के साथ जोड़ नहीं सका। आज तुम्हारी वजह से मेरी मासूम बेटी बदनाम हो रही है, तुम्हारी वजह से। तुमने टीवी चैनल पर मुझे बदनाम किया है, रुसवा किया है। अगर तुम्हारा ताल्लुक किसी अच्छे खानदान से होता तो तुम कभी ऐसा ना करते, मगर तुमने यह बताया है कि तुम एक लावारिस खानदान से ताल्लुक है। तुम लावारिस हो, तुम यहाँ किसी फायदे की वजह से आए हो। बस कर दीजिए अंदर, आपको के सामने मुझे अपनी शराफत साबित करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो चीज आप में होती है वो दिखाई देती है। माना के लावारिस हूं मैं, पर जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है उन्होंने खटिया नहीं बनाया। लावारिस हो सकता हूं लेकिन झूठा मक्कार या फरेबी नहीं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह सकता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सच है। इस इंसान ने तलाक दिया उसे और मारा भी है। एहसास दिलाने का शुक्रिया। सोया हमारी बहन है, उसके अच्छे बुरा हम बेहतर जानते हैं। हाँ तुमने जानती कि मेरे दिल पे क्या गुजरती है जो मैं तुम्हारे किरदार पे बात करती है, तुम्हारी अकल को कोसती है। अगर आपको मेरे किरदार पे कोई शक नहीं था तो फिर आपने जुनैद की गवाही कबूल क्यों नहीं की? बेटा गवाही में सच्चाई नहीं थी। अगर आपको उसकी बातों पर यकीन ही नहीं था अब्बा, तो फिर उसको बुलाकर उसकी इतनी बेइज्जती क्यों की? मेरी तो किस्मत में एक तोमर सिलत और तलाक की रसवाई है, लेकिन जुनैद। बेटा अदनान से शादी का फैसला तुम्हारा अपना था, मेरे बार बार पूछने पर तो अपने माँ का कहा माना और इस शादी पर राजी हो। पापा क्या आपको भी वही वजह लगती है मेरे तलाक की जो मोइस भाई और बाकी लोग समझते हैं? देखो जोया, मैं मानता हूँ कि अदनान गुस्से का तेज है, लेकिन तुम उसे मौका मत दो कि वो तुम पर इल्जाम लगाए। वो तुम्हें अपनी बीवी मानता है, तुम्हारा साथ चाहता है। नहीं चाहता मेरा साथ, सिर्फ एनजीओ से आने वाली रकम की फिक्र होती है। उसे नफरत करता है, वो मुझे मारता है। बेटा अगर तुम अदनान के साथ नहीं रहना चाहती तो वो तुम्हें आजाद कर देगा, मगर तलाक का इल्जाम मत लगाओ उस पर। ये हरकत काबिले मजम्मत है बेटा। तुम्हें लगता है कि मैं उसको इल्जाम लगाती? बेटा तुम अगर जुनैद से शादी करना भी चाहती हो तो तुम्हारे कह देने से तलाक नहीं हो जाएगी। यूं निकाह पे निकाह करना ये गुनाह है बेटा, और ये बात तुम जानती हो। बाकी अगर मेरी बेटी उसके साथ नहीं रहना चाहती तो मैं खुद में उससे खुला दिल बांधती हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बेटी बहुत समझदार है, मेरा कहना मान। जाओ, शाबाश, तैयार हो जाओ। मैं अपनी बेटी को खुद छोड़ाऊंगा।